Good day to all of you students. Student, today I shall teach you class 12th English Flamingo Poetry. My mother at 66 and name of the poet is Kamala Das. Student, name of the poem is My Mother at 66 and name of the poet is Kamala Das. 1934 to 2009. Student, Kamala Das, she was born in 1934. Kamala Das ka birth 1934 mein hua और 2009 में एक्सपायर हुई. वॉज बॉर्न इन मालाबार केरल. मालाबार में बर्थ हुआ और केरल केरल में मालाबार में उनका बर्थ हुआ. शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट और उनको माना जाता है कि वो भारत की एक बहुत अच्छी जो है पोइट थी. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी और जो उनका काम था वो उसमें बहुत ओरिजिनलिटी थी, रियलिटी थी, वर्सटलिटी थी. वर्सटलिटी होता है जो और भी विषयों के बारे में उनको जानकारी थी. एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल और अपनी सॉइल का, अपने मातृभूमि का जो लोकल उनका फ्लेवर जो है वो नज़र आता था. कमला दास हैज़ पब्लिश मैनी नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश. कमला दास ने बहुत सारे नॉवल्स पब्लिश किए, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी इंग्लिश में, मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुटी. और इस नाम से, माधवी कुटी के नाम से उन्होंने मलयालम और इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज लिखी और नावल भी लिखे. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स अ नावल अल्फाबेट ऑफ लव. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, कुछ उनके काम इंग्लिश में थे जिसमें उनका नावल था अल्फाबेट ऑफ लस्ट इन 1977. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड्स अ नावल अल्फाबेट ऑफ लस्ट 1977. 1977 में उनका एक नावल आया अल्फ़ाबेट ऑफ लस इन इंग्लिश में था. ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज और कुछ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी. उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, पद्मावती द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज और कुछ और स्टोरी भी उन्होंने लिखी 1992 में. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री और उन्होंने 5 किताबें लिखी पोइट्री पे. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी और उन्होंने ह्यूमन रिलेशन के बारे में कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज में के लिए लिखा. कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज होता है कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में लिखा कि जो ह्यूमन रिलेशन से थी. इन लिरिकल इडियम्स में लिखी उनको. माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल और माई मदर 66 जो हम पढ़ रहे हैं ये उनमें से एक एग्जांपल है. बिफोर यू रीड एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, पोइट ने बताया पढ़ने से पहले, पोइम को पढ़ने से पहले पोइट ने बताया एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र जो है एक नेचुरल प्रोसेस है. हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे किस चीज़ की उम्मीद करते हैं. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कहते जब मैं ड्राइविंग कर रही थी, पॉइंट ने बताया जब मैं ड्राइविंग कर रही थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी मदर जो है मेरे साथ है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज, मैंने देखा मेरी मदर जो है मेरे साथ ही बैठे. डोज, डोज होता है ऊँगना. ओपन माउथेड, मुँह खुला हुआ था. हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और जो मेरी मदर का चेहरा था वो एशियन था. लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह जो है वो पीला था. एंड रियलाइज विद पेन, और उसे उन्हें दर्द हो रही थी. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुकड, कहते वो इतनी बूढ़ी नज़र आ रही थी जितने देखने में लग रही थी. शी वॉज एज ओल्ड, वो इतनी ही बूढ़ी थी जितने देखने में नज़र आ रही थी. बट सोन पुट दैट थाट अवे, परंतु पोइट ने जल्दी से ही इन विचारों को दूर किया. एंड लुकड आउट एट ए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और पोइट ने बाहर देखा, लुकड आउट बाहर देखा यंग ट्रीज जो पेड़ थे वो स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग होता है जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो पेड़ ऐसे लगता है जैसे भाग रहे हैं पीछे को. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और पोइट ने देखा बाहर देखा कि पेड़ जो हैं उनको एक कंटिन्यू चलते हुए नज़र आ रहे थे भागते हुए. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो खुश बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर भागते हुए नज़र आ रहे थे. स्पिलिंग होता है घर से बाहर भागते हुए नज़र आ रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पे चेकिंग हुई, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, और कुछ जो है यार्ड की दूरी पे खड़े हुए.
स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, पोइट ने बताया कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है कुछ दूरी पे खड़े हुए, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने दोबारा अपनी मदर को देखा, वैन पे वो बिल्कुल एकदम फीकी पीली नज़र आ रही थी एज ए लेट विंटर्स मून, जिस तरह के एक सर्दियों का लेट जो चांद निकलता है उस तरह से वो फीकी पीली नज़र आ रही थी, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और क्या महसूस कर रही थी, एक दोबारा से वो जो जाना हुआ दर्द था उसको महसूस हो रहा था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरा जो बचपन का डर था, बट ऑल आई सेड, परंतु मैंने क्या बोला, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मैंने ये बोला कि अम्मा हम दोबारा मिलेंगे, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस और हमने क्या किया, बस स्माइल 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 किया एक दूसरे को देख के। स्टूडेंट पोएटिक डिवाइसेस एज ए सिमिली, जब हम एज या लाइक लगाते हैं तो हमारी पोएटिक डिवाइस जो है वो सिमिली होती है, एज हेयर आई लुकड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, जो पोइट की मदर का चेहरा था वो वैन पेल था, पीला था, विंटर्स मून मून के तरह पीला था, तो इसलिए ये जो है पोइटिक डिवाइस सिमिली है। जब हम कंपैरिजन करते हैं एक सेम में, तो सिमिलर चीज़ में कंपैरिजन होता तो उसको सिमिली पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, एंड हेयर आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पे स्माइल स्माइल स्माइल, सो स्माइल वर्ड इज़ रिपीटेड 3 times, वैन ये 2 रिपीट हो 3 हो, इट मे बी एट एनी टाइम, देन द पोइटिक डिवाइस इज रेपिटिशन, जब वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है तो पोइटिक डिवाइस जो होती है वो रेपिटिशन होती है। एंड स्टूडेंट राइमिंग स्कीम इज दैट वैन ओल्ड फियर सून आमा, सो ऑल आर डिफरेंट, सो इनकी किसी के साथ भी जो है साउंड मिलती नहीं है, तो जब सबकी साउंड डिफरेंट डिफरेंट होती है तो इसको हम फ्री वर्स बोलते हैं, ब्लैंक वर्स बोलते हैं, सो देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, इसको हम फ्री वर्स बोलेंगे पोएटिक डिवाइस को। स्टूडेंट ट्री स्प्रिंगटिंग मैरी चिल्ड्रन और जो विंटर्स मून है, इसको हम पोएटिक डिवाइस एज ए सिंबल और इमेजेस में ले सकते हैं। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू दिस पोएम माई मदर एट 66, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड, सो यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पोएम, एंड स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे एट होम and obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.